हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए एक और बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर, दृष्टि आईएएस की एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओएआरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। साथियों, यह करंट अफेयर्स की शुद्ध रूप से टेस्ट प्रैक्टिस सेट है, दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था, भरोसेमंद संस्था का। आपको इसके बारे में पता होगा, तो उसका कंटेंट है ये करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, यह जो प्रैक्टिस सेट है, जून जून से लेकर अगस्त तक की, ये प्रैक्टिस सेट के यानी जून से लेकर अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजों को इसमें जो है रखा गया है, समेटा गया है आपके इस प्रैक्टिस सेट में। तो साथियों, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और वीडियो पर साथियों, आप लोग नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो करना आपका बनता है। तो साथियों, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज हमारे जो आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे पीसीएस का हो, करंट अफेयर्स का साथियों वेटेज बढ़ता जा रहा है। हम करंट अफेयर्स को जितना मथ सकते हैं इतना जरूर मथें, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सॉल्व करें और बढ़िया से बढ़िया चीजों को हम पढ़ें। तो साथियों, चले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि आईएएस प्रैक्टिस सेट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं हमारा पहला वाला। तो देखें साथियों, क्या गजब का सवाल है, यूपी स्पेशल से संबंधित इसको बनाया गया है। कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में घोषित राज्य राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो साथियों, इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत गजब का सवाल है। जैसे आप लोग जानते हैं, दिल्ली का जो एनसीआर है, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं जो दिल्ली की तरह विकसित हो गए हैं, तो उसी तरह एनसीआर के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है एससीआर लेकर आ रही है, राज्य राजधानी क्षेत्र। तो ये राज्य राजधानी क्षेत्र जो ला रही है उत्तर प्रदेश सरकार, घोषणा कर दिया है यूपी सरकार ने कि हम राज्य राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर की तर्ज पर ला रहे हैं। तो ये क्या होगा साथियों, जो लखनऊ है, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों को ये एनसीआर की तरह विकसित करना। तो इसमें 5 जिले हैं, एक तो आपका लखनऊ हो गया और लखनऊ के से सटे हुए रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया साथियों, उन्नाव हो गया और हरदोई हो गया। तो ये 5 जिले हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र हरदोई का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, शाहजहांपुर नहीं है। तो कह रहा है कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो विकल्प नंबर सी, शाहजहांपुर शामिल नहीं है इसमें। तो चले हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, दूसरा वाला। तो साथियों, दूसरा क्या कह रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल कर लिया है। बहुत गजब का सवाल साथियों, एक बार इसको हम लोग आपको मिटा कर फिर थोड़ा सा दिखाएं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसका आपको नाम बताना है, जिसने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल कर लिया है। तो साथियों, ये किया है लद्दाख, विकल्प नंबर ए हो जाएगा साथियों। यह लद्दाख में यह उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था कि जो 15 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो अपने समय में पढ़ लिख नहीं पाए, तो उनको कम से कम इतना पढ़ा लिखा दिया है कि लोग पढ़ना थोड़ा बहुत सीख जाएं, थोड़ा बहुत लिखना सीख जाएं, गिनती गिनना सीख जाएं। तो उसी को जो है साथियों, उसी में लद्दाख जो है यहाँ पर 97% ये कारगर साबित हुआ है, इसीलिए इसे पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल कर लिया, इसको घोषित किया गया। तो विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा लद्दाख में साथियों, 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, 22 से 27 तक। तो आगे चले हम लोग देखते हैं तीसरा में साथियों क्या कह रहे हैं हमसे। तीसरा में आपसे कहा जा रहा है, कौन सा भारतीय शहर, ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है। तो विश्व सूची, विश्व शिल्प शहर में साथियों उसी को शामिल किया जाता है जो शहर शिल्प के रूप में बहुत ही पारंपरिक रूप से बहुत बेहतर काम किए हों, उनको एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान के लिए तो विश्व शिल्प शहर में शामिल कर दिया जाता है। तो साथियों, अभी 4 3 थे, एक अभी और शामिल हो गया है, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर जो है वाराणसी शामिल नहीं है, बाकी यहाँ पर मैसूर भी है, जयपुर है, श्रीनगर है और एक मामल्लपुरम करके है केरल में, वो है।
तो चार है यहाँ पर, वाराणसी नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका यही नहीं है विश्व शिल्प शहरों की सूची में। आगे हम लोग देखें साथियों, चौथा वाला देखते हैं, इसमें कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही अराकू कॉफी का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों अभी मोदी जी ने पिछले महीने में, अपने जानते हैं आप लोग हर महीने के अंत में अंतिम तारीख को मोदी जी रेडियो पर जो है अपने मन की बात करते हैं, तो उसी रेडियो पर मन की बात करते हुए मोदी जी ने जो है आंध्र प्रदेश की जिले में, जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है साथियों, वहां पर जो है तो वहां पर अराकू कॉफी जो है बहुत फेमस है, अराकू कॉफी पाई जाती है जो अपने यूनिक स्वाद के लिए जानी जाती है। तो मोदी जी ने अपने मन की बात में अराकू कॉफी की चर्चा किया था, तो जो है यही जो है आंध्र प्रदेश की है अराकू कॉफी। तो विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, अराकू कॉफी कहाँ की है साथियों, आंध्र प्रदेश की है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, इसे याद रखिएगा, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है अराकू कॉफी को। तो आगे चले हम लोग देखें अब हमारा क्या है साथियों, ये जीआई टैग इसे 2019 में मिला था, ये याद रखिएगा, इसे 2019 में जो है जीआई टैग भी मिला है। आगे हम लोग देखें पांचवा में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वायरल बैक्टीरियल खतरों को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो साथियों जैसे कि बारिश की मौसम आ रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम था कि जगह जगह पानी इकट्ठा होगा, बैक्टीरिया मच्छर ये सब ज्यादा से ज्यादा पनपेंगे और ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया जनित बीमारी फैलेगी, तो उसमें एक डायरिया बहुत तेजी से बच्चों में बीमारी फैलती है। डायरिया का मतलब होता है साथियों दस्त, जो छोटे बच्चों में जो 15 साल के नीचे उसमें दस्त की बीमारी बहुत तेजी से फैलने लगती है। तो इसे दस्त डायरिया समस्या को रोकने के लिए सरकार ने यह एक इस अभियान चलाया था, कौन सा अभियान साथियों, डायरिया रोको अभियान। तो इसमें अभियान में क्या होता कि जो आशा कार्यकर्ताएं महिलाएं होती हैं तो वो घर घर जाती, डायरिया को कैसे बचा जाए उसके बारे में बताती। डायरिया में होता है क्या साथ, ज्यादा से ज्यादा दस्त होता है तो पानी की कमी शरीर में हो जाता है, जिसे ओआरएस, ओआरएस साथियों एक घोल होता है जो है, तो जो नमक और चीनी वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है, तो आर्य जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो ओआरएस बनाने के भी बारे में बताती कि जो आर जो जिनके जल शरीर में जल की पानी होती है तो ओआरएस लेने से वो जल की मात्रा नॉर्मल होती है। तो विकल्प नंबर बी आपका यही है पांचवें में। छठवें में क्या है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो साथियों कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक में एक बन्नेरघट जो है राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहीं पर ये किया गया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे देखें सातवां में, बढ़िया सवाल है ये साथियों, ये क्या कह रहे हैं सातवां में, हाल ही में चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा, चांदीपुरा वायरस, चांदीपुरा वायरस अभी ये चर्चा में रहा, तो निम्नलिखित में से इसके कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सही उत्तर दीजिए। तो साथियों चांदीपुरा, इसकी पहचान 1965 में महाराष्ट्र में सबसे पहले किया गया था चांदीपुर गांव में, इसीलिए इस वायरस को चांदीपुरा गांव ये कर दिया गया। ये डेंगू के प्रकोप जो फैला था उस समय उसके दौरान ये चर्चा में आई थी, तो इसी के दौरान आई थी ये डेंगू के प्रकोप के दौरान, तो ये 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में यह देखी गई थी सबसे पहले, इसलिए उसी के नाम पर इस वायरस का नाम ही रख दिया गया चांदीपुरा वायरस। और साथियों इसके लिए अभी कोई खास टीका का जो है उपचार नहीं हो पाया है, तो इसमें कह रहा है कि विशिष्ट एंटीवायरल उपचार एवं टीके उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है साथियों, ये बात आपकी गलत हो गई, अभी कोई इसके लिए विशिष्ट टीका उपलब्ध नहीं है। तो उत्तर आपका केवल सातवें का ए हो जाएगा, हाँ यही सही है, बस केवल एक। आगे हम लोग देखें आठ में क्या कह रहे हैं साथियों, रिलो से संबंधित है, हाल ही में खबरों में रहा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसे शॉर्टकट में हम लोग रिलोस कहते हैं। तो यह भारत और रूस, अभी मोदी जी रूस गए थे, तो भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता है, तो विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा, रिलोस डी से संबंधित है, भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता। 19 में देखते हैं क्या है, हाल ही में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन, 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो साथियों रूस में ही किया गया, मोदी जी अभी वहां गए भी थे आप लोग जानते होंगे, तो मॉस्को में किया गया, विकल्प नंबर
ये बी रूस की राजधानी मॉस्को। आगे देखें हम लोग दसवें में, तो दसवें में आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो यहां पर साथियों क्या पूछा जा रहा है हमें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए चुना गया है। तो साथियों वाराणसी को ले भाग लेने के लिए चुना गया है, सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए वाराणसी को चुना गया है। दसवां का उत्तर आपका जो है ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 11 में, 11 में साथियों क्या कह रहे हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, कौन, आरबीआई ने किस संगठन के देशों के लिए 2024 से 27 की अवधि के लिए मुद्रा विनिमय के लिए संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो किसके लिए निर्णय लिया गया साथियों, यह सार्क के लिए, विकल्प नंबर आपका एक सी हो जाएगा। सार्क आप लोग जानते हैं, यह जो है एक संगठन है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये सार्क वाला, ये सार्क, आगे हम लोग देखें 12 में, हाल ही में किस संस्था ने भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक साथियों आरबीआई ने जारी किया गया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, आरबीआई ने जारी किया है। आगे देखें 13 में हम लोग, तो 13 में साथियों क्या कह रहे हैं, हाल ही में खबरों में रहे प्राइड मंथ, प्राइड का मतलब गौरव होता है, मंथ का मतलब महीना, गौरव का महीना यानी प्राइड मंथ के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अपना जो है कौन सा सही उत्तर है उसको दें। तो साथियों जानते हैं ये एलजीबीटी से संबंधित है, प्रत्येक वर्ष जून के महीना में मनाया जाने वाला प्राइड मंथ एलजीबीटी क्यू समुदाय के लिए चिंतन, उत्सव और वकालत का समय है, यानी इसमें उनके गौरव का, उनके संस्कृति का एक तरह से सम्मान करना होता है एलजीबीटी समुदाय का, तो इसीलिए मनाया जाता है गौरव प्राइड यानी प्राइड मंथ। तो इसकी शुरुआत 1969 में स्टोन वॉल विद्रोह से शुरू हुई थी। विकल्प नंबर दोनों भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है, तो विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा। 14 में हम लोग देखें, हाल ही में चर्चा में रही मास्को पीरो, तो लोग सोचेंगे मास्को है तो रूस से संबंधित होगा, तो नहीं साथियों, मास्को पीरो नाम भी पीरो है पर से, तो ये पेरू में जो दक्षिण अमेरिका का एक पश्चिमी तट पर ये शहर है, मतलब देश है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यह मास्को पीरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पेरू में पाई जाती है। आगे देखें हम लोग, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है। तो साथियों इसरो ने अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, यानी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है उत्तर प्रदेश के, मतलब एक विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके भूगोल विभाग में से उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया। मौसम गुब्बारा क्या है साथियों, ये 35 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाएगा, 35 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर और 100 किलोमीटर के रेंज में मौसम संबंधित सारी सूचनाओं को देगा, सारी मौसम संबंधित जानकारी को, इसीलिए यह किया गया है। आगे देखें 16 में क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए, साथियों जैविक उत्पाद मतलब ये जैसे होता है ना, उसमें बिना केमिकल का उसका उत्पादन करना, सिर्फ जो है प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके उसका उत्पादन करना, ये जैविक उत्पाद होता है, जिसमें ये सब रासायनिक खाद और तमाम प्रकार की दवाएं ये सब यूज न करना, तो और उसमें जो बिजली से जो हम लोग सिंचाई करते हैं वो भी बिजली से नहीं, सोलर ऊर्जा से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जैविक उत्पाद के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है, तो तवाइन के साथ किया है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ताइवान के साथ। 16 का आपका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 16 का ए। आगे चले हम लोग देखते हैं 17 में, साथियों ये गजब का सवाल है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था ये।
बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित नन्हे फरिश्ते नाम का अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? तो साथियों, यह रेल आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह चलाया गया है। तो ये बहुत पहले चलाया गया था, अभी इसका एक आंकड़ा आया है कि आरपीएफ ने पिछले सात वर्ष में कुल 84,000 से अधिक 84,000 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया है। यानी जो बच्चे ट्रेन में छूट गए हैं अपने माता पिता से, या स्टेशन पे किसी वजह से छूट गए हैं या भटक गए हैं, तो उनको जो है रेस्क्यू करके जो है उनके जो है गंतव्य एक संस्था को सौंप देती है, वह संस्था जो है उनके माँ बाप से पास पहुंचाती है। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, नन्हे फरिश्ते अभियान किस संस्था ने चलाया? आरपीएफ ने। आगे देखें हम लोग 18 में, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ के परिषद का 132वां सत्र कहां आयोजित हुआ? तो साथियों, लंदन में आयोजित हुआ ये 132वां सत्र। किसका सत्र? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का, लंदन में। आगे हम लोग देखें, 18 का हमारा हो गया, हम लोग देखते हैं 19। हाल ही में सीएसआईआर द्वारा स्टील स्लैग रोड का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो स्टील स्लैग रोड क्या होता है साथियों, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। जो स्टील उद्योग होते हैं वहां से जो स्टील बनाने में जो व्यर्थ वेस्ट पदार्थ होते हैं तो फेंक दिए जाते हैं, वैसे भी बेकार चला जाता है, तो उसका उपयोग करके रोड बनाने में किया जाए। जैसे होता है ना, अभी जो कचरे है हमारे जैविक कचरे, जो घरेलू कचरे है, उससे रोड बनाने की तकनीक खोजी जा रही है, विकसित की जा रही है। तो इसी प्रकार जो स्टील स्लैग है, तो स्टील स्लैग से रोड बनाने का एक जो तकनीक है, इससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो ये पूछ रहा है, तो नई दिल्ली में किया गया। विकल्प नंबर आपका 19 का बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 20 का, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजन करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य बन गया है? तो साथियों, अपना उत्तर प्रदेश ये आयुष्मान हेल्थ अकाउंट जो होता है साथियों, यह जो है इसकी आईडी जो होती है 14 नंबर की आईडी होती है, जो हेल्थ कार्ड में जो है बहुत जो डिजिटल हेल्थ कार्ड होता है उसके बनवाने में भूमिका निभाता है। तो 1 करोड़ टोकन सृजित करने के कीर्तिमान स्थापित करने वाला ये उत्तर प्रदेश है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 14 अंक का होता है, याद रखेंगे उसे। तो साथियों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहे हैं आपको, प्रोजेक्ट नेक्सस से संबंधित आपको 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो साथियों, बहुत गजब का सवाल है। प्रोजेक्ट नेक्सस आप लोग जानते हैं, जो ये लॉन्च किया गया है बिस के द्वारा, बिस का मतलब यहाँ साथियों BIS के द्वारा, ये जो है यह जो मतलब ये BIS की परियोजना है। BIS का मतलब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की एक परियोजना है, और इसमें कह रहा है कि IMF का एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो ये बात पे गलत हो गई पहली, और दूसरी वाला इसमें RBI इस परियोजना में शामिल हो गया है, तो ये दूसरी बात सही है। तो आपका उत्तर 21 का बी हो जाएगा, आपका 21 का बी। तो साथियों, यहाँ जो दिया है 22 में आपसे पूछ रहे हैं कि गिग वर्कर्स का मतलब जो ठेके पर काम करते हैं उनकी बात कर रहा है। तो गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो भारत का दूसरा राज्य साथियों गिग वर्कर्स के लिए, यानी जो जैसे आपको डिलीवरी पर जो आपको यहाँ जो सामान पहुंचाते हैं फ्लिपकार्ट वाले या ये सब जो ठेके पर काम करते हैं, तो इसके लिए कानून बनाने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। तो आपके दिमाग चल रहा होगा सर पहला राज्य कौन है, तो पहला राजस्थान है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, हमारा हो गया 22 का। 23 में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 51,200 साल पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है? गुफा चित्रकला की खोज की है साथियों, यह इंडोनेशिया में। विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा, इंडोनेशिया में
51,000 लगभग साल से अधिक या 51,200 साल पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हुई है। ये आपके हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना है? तो साथियों, दो लोग चुने गए थे, पीवी सिंधु और शरत कमल को। तो यानी विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, इन्हीं दोनों लोगों के लिए चुना गया था। आगे देखें हम लोग 25 का। हाल ही में लागू किए गए आपराधिक कानूनों में शामिल भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 106 के तहत, बहुत गजब का सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया? साथियों, अभी जो नया कानून बनाया गया है, नए आपराधिक कानून आए हैं, तो नए आपराधिक कानून जो आए हैं साथियों, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत आपसे पूछ रहा है। तो धारा 106 क्या है? जैसे कोई ड्राइवर है गाड़ी वाला, वो अपनी गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से, लापरवाही के कारण किसी का एक्सीडेंट कर दे और उसकी जान चली जाए, अगर जानबूझ के ठोकेगा तब तो उसको मर्डर का केस लगेगा। उसकी जानबूझ के न ठोके, लेकिन हाँ, उसकी लापरवाही से, लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो उस ड्राइवर को जो है 5 साल की जो है सजा मिलेगी, जेल होगी। तो यही कानून, नया कानून बनाया है। तो इस कानून को सबसे पहले कहाँ, इस कानून पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया? अमरोहा में, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला। आपके जो क्रिकेटर हैं, बॉलर एक फेमस मोहम्मद शमी, वो उन्हीं का ये जिला है, वो इसी जिले के हैं। तो याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा ये प्रश्न था ये। 26 में क्या है? हाल ही में विंबलडन, 2024 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो साथियों, ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, नोवाक जोकोविच को हराकर। नोवाक जोकोविच सर्बिया के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, इनको हरा दिया कार्लोस अल्काराज ने। तो 27 में क्या है? यहां देखें हम लोग 27 में क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में संपन्न T20 वर्ल्ड कप 2024 संपन्न हुआ, अभी इंडिया ने जीता था, किसको हराकर? आप लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका को। संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, विचार करके सही उत्तर देना है। तो पहला आप पढ़ेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया, यह सही बात है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, यानी ये बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर इंडिया टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी है। यस, 125 करोड़ इंडिया को मिला था पुरस्कार राशि के रूप में, इंडिया टीम को। तो विकल्प नंबर दोनों सही है, एक और दो, सी हो जाएगा आपका, 27 का सी हो गया। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग 28 का देखने। तो 28 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? हाल ही में चर्चा में रहा नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच चला? तो साथियों, भारत मंगोलिया के बीच, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बहुत फेमस सैन्य अभ्यास आपसे पूछा जाता है, तो सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न है, नोमैडिक, तो भारत मंगोलिया। ये साथियों हमारा एक अच्छा सवाल है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जानते हैं, जैसे अपने यहाँ गांधी को माना जाता है, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, यानी काले राष्ट्रपति थे, वहां काले गोरों का भेद बहुत था, तो काले राष्ट्रपति पहले बने, और वहां के सामाजिक समानता बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो वहां का उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। आगे देखें, ये 18 जुलाई को इनका जन्म दिवस है। तो 30 क्या है? जयंती है वही, तो जिसे मरे हुए आदमी को तो जयंती मनाई जाती है, जो जिंदा रहते हैं तो उनका जो है बर्थडे कहा जाता है। तो 30 क्या है? हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, जिसे नीरफ कहा जाता है, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो साथियों BHU ने, विकल्प नंबर आपका एक हो जाएगा, BHU 31 में। हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? तो 2030 से वो टैक्स लगाएगा पशुधन, जो पशु वाले क्षेत्र है वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होती है तो वहां पर ये टैक्स लगाएगा। तो कौन लगाएगा साथियों? डेनमार्क, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। 32 में, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री का आयोजन किया गया है? तो मैत्री का आयोजन साथियों भारत किस देश के साथ किया जाता है? थाईलैंड के साथ, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा आपके, 32 का सी। आगे देखें हम लोग 33 में, गजब का सवाल है, प्रोजेक्ट अस्मिता से संबंधित है, बहुत अच्छा सवाल। प्रोजेक्ट अस्मिता जानते हैं, प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है कि भारतीय भाषाओं में साथियों ये करीब करीब जो है भारतीय भाषाओं में लगभग हजारों पुस्तकें, हजारों बोले तो साथियों यहाँ पर जो है यह 22,000 पुस्तकें जो है भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है आने वाले 5 सालों में। तो विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा उत्तर, प्रोजेक्ट अस्मिता यही है। जब भी आए तो आप याद रखिए 22,000 भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का तैयार करना। ये 34 क्या है यहाँ, हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में किसने किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महा ये जो नाटो के महासचिव के रूप में, नाटो एक संगठन है, तो इसके नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो आप लोगों को मालूम होगा मार्क रूट को, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, मार्क रूट को। 35, हाल ही में किस राज्य ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है? यदि आप हाइब्रिड कार लेंगे, हाइब्रिड कार मतलब साथियों डीजल या पेट्रोल के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सुविधा भी होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिक से भी चले, डीजल भी या पेट्रोल के साथ, तो इसी को हाइब्रिड कार कहा जाता है। तो हाइब्रिड कार पर आप रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों का रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दिया है। आगे देखें, रजिस्ट्रेशन टैक्स वही। 36 में, हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया है, तो कमला पुजारी का निधन हो गया तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साथियों जैविक खेती से था, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से, विकल्प नंबर बी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जो वहां उत्पाद होते थे वे बिना किसी रासायनिक प्रयोग किए, बिना किसी दवाओं के हुए, तो इस हिसाब से उनका इसमें बड़ा क्षेत्र नाम था, तो जैविक खेती से संबंधित कमला पुजारी थी उनका जो अभी हाल ही में निधन हुआ। तो आगे हम लोग देखें, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए कौन, नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्री को, ये मिस्त्री नहीं मिस्री है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे देखें 38 में क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे राइजोटोप प्रोजेक्ट, राइजोटोप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका से है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। दक्षिण अफ्रीका में साथियों जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं वहां के लोग उनका अवैध शिकार कर कर उस सींग का, बहुत बहुमूल्य उनका सींग काम आता है, तो उस सींग का जो है अवैध व्यापार करते थे, तो जिसके कारण एक सींग वाले गैंडे की वहां पर संख्या बहुत तेजी से घटने लगी। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने क्या काम किया, उनके जो है ये रेडियो धर्मी पदार्थ उनके सींग में लगा दिया, यानी उनके जो सींग होती थी एक सींग उसमें रेडियो धर्मी पदार्थ लगा दिया। पदार्थ लगाने से दो फायदा होगा, एक तो पदार्थ लगाने से वो सींग उसको गेंडे को मारेंगे और उसका सींग जो उपयोग करेंगे वो सींग किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो रेडियो धर्मी पदार्थ आप लोग जानते हैं उसमें रेडिएशन निकलता रहता है ऑटोमेटिक, तो एक तो वो होगा वो सींग किसी काम की नहीं रह जाएगी, दूसरा वो गेंडों का पता लगाने में भूमिका भी निभाएगा। तो इसी से संबंधित है राइजोटोप प्रोजेक्ट दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखें 39, हाल ही में अंतरिक्ष, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6
रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो एरियन सिक्स रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, विकल्प नंबर ए हो जाएगा 39 का ए। 40 का, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों बायोडायवर्सिटी पार्क नोएडा में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका 40 का ए। 41, हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेशी लाइट टैंक, लाइट टैंक मतलब हल्का टैंक है, इसे कहीं भी ऊंचाई पर आसानी से ले जाया जा सकता है, भारी नहीं है, तो लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर, तो लाइट टैंक जोरावर का विकास डीआरडीओ ने किस निजी कंपनी के साथ मिलकर किया है? डीआरडीओ ने किया है लेकिन उसके साथ एक और कंपनी है, निजी प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, जिसे एलटी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें 42 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर कर हमें बताइए, दो कथन इधर है, दो अगले पेज पर चले गए हैं हमारे, तो उन पर विचार करके हमें बताना है। तो यहां पर साथियों अगले पेज वाला देखें वो कहाँ गया, 42, तो ये 42 हमारा कहाँ, ये यहाँ है ये। अच्छा दो ही कथन है, तीन नहीं है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप हवाई के मौना किया में शुरू होने वाली एक महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसे भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान शामिल है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप ये है, ये सही है यहाँ पर। तो टेलीस्कोप हवाई के मौना किया में शुरू होने वाली महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय परियोजना है ये 30 मीटर, तो ये सही है। ये क्या है दूसरा, TMT 30 मीटर टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप के प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक ब्रह्मांड और बिग बैंग के बाद पहली आकाशगंगाओं तथा तारों के निर्माण के विकास का अध्ययन करना है। यस, दोनों बातें सही है यहाँ पर 42 के कथनों में, तो हमारा उत्तर दोनों होना चाहिए, यहाँ सी हो जाएगा हमारा। 43 में, हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है, तो SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है 23-24 के लिए, तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? तो यहाँ पर प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड दोनों को प्रथम स्थान मिला है, तो विकल्प नंबर आपका ये डी हो जाएगा, डी वाला 43 का डी। आगे देखें तो 44 में क्या है, हाल ही में खबरों में रहे इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रमोचक रॉकेट, यानी ऐसा रॉकेट जिसे दोबारा भी जो है लॉन्च किया जा सकता है, उसके उपकरणों खराब नहीं होंगे, उसके उपकरण को फिर से यूज किया जा सकता है, पुनः प्रयोज्य जो है प्रयोज्य प्रमोचक रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम साथियों जो रखा गया है पुष्पक रखा गया है, विकल्प नंबर ए। 45, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेशकों को, यानी विदेशी जो इन्वेस्टर हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री डेस्क स्थापित किया है। तो कंट्री डेस्क स्थापित का मतलब एक तरह का ये बताने का प्रयास किया है कि आप हमारे यहाँ चलिए, उद्योग लगाइए, निवेश करिए, हम आपको हर तरह का सुरक्षा देंगे, हर तरह की आपको सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तो यही होता है एक कंट्री डेस्क। तो इनमें से किस देश, किस स्थान पर इसे स्थापित नहीं किया गया है उसे बताना है। तो साथियों अमेरिका में भी है, जापान में भी, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो विकल्प नंबर सी आपका 45 का सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 46 में, हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों दिल्ली में किया गया, विकल्प नंबर ये डी ए हो जाएगा। आगे देखें 47 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक जारी किया गया। हम लोग जानते हैं अगर आपसे पूछे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? तो साथियों भारत का स्थान इसमें 72 है,
विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा, 72वां स्थान मिला है भारत को। आगे देखें इसमें 48, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। साथियों बहुत गजब का सवाल है ये, अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उससे संबंधित जो छुट्टी मिलती है उससे संबंधित है। तो बिहार सरकार ने साथियों, लालू जी की सरकार थी उस समय 1992 में, पहली बार बिहार एक ऐसा राज्य है महिलाओं को मासिक धर्म सवेतन अवकाश दिया। सवेतन मतलब जो छुट्टी उन्हें 3 दिन की मिलेगी उनमें उनका वेतन नहीं कटेगा, कोई भी संस्था हो जो 10 से अधिक वो लोग वहां काम करते हो तो वहां ये लागू होगा। तो बिहार ही पहला ऐसा था जो महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश नीति को लागू किया, महिलाओं को मासिक धर्म संबंधित छुट्टी दिया। उसके बाद 2023 में साथियों केरल ने भी यह लगाया। तो केरल ने अपने यहाँ शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों छात्राओं को, मतलब छात्रों कह रहे हैं यानी सभी लड़कियों को जो है छुट्टी देने का काम किया मासिक धर्म से संबंधित। तो यहाँ बिहार पहला पूछा है तो बिहार हो जाएगा, दूसरा पूछे तो केरल। हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो का खिताब जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। आगे देखें हम लोग 50 में क्या कहा जा रहा है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से किस राज्य को वर्ष 2024 का सबसे अच्छा कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो साथियों महाराष्ट्र को 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया, तो विकल्प नंबर बी। तो साथियों हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए, दृष्टि आईएएस का एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन था। आगे हम लोग करेंट अफेयर्स लाएंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इसका जो है अगला प्रैक्टिस सेट में इसको जो है बेहतरीन तरीके से इसके और आगे की जो जितनी घटनाएं हैं उसको और बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। तो साथियों हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और आगे हम लोग करंट अफेयर्स की ऐसे ही और बेहतरीन बेहतरीन क्लास लाएंगे जो आपके आरओ एआरओ के लिए बेहतरीन होंगे, आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।